नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गीता, लेकर आई हूँ अपना शो जासूस या जर्नलिस्ट। दोस्तों, धर्म नगरी काशी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में इस समय क्राइम की घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। कहीं दहेज के लिए मौत के घाट उतारा जाता है महिलाओं को, तो कहीं रेप के बाद मौत के घाट उतारने का मामला सामने आता है। अभी हाल ही में 24 जून को लंका थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मनरवा गाँव में एक दहेज लोभी परिवार ने लक्ष्मीनिया नाम की महिला को दहेज के लिए बेरहमी से पीट पीट कर मौत के घाट उतारने का मामला सामने आया। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और कुछ आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया है। लेकिन इस घटना में शामिल दो आरोपी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं और पीड़ित परिवार को धमकियां दे रहे हैं, जिससे परिवार डरा सहमा हुआ है। मेरी जासूसी कहती है कि शादी में जो भी डिमांड थी पूरी की गई थी, तब जाके रिश्ता पक्का हुआ था। इसके अलावा कोई मांग नहीं थी। शादी के एक साल तक लड़की ठीक ठाक रही। इसके बाद बुलेट गाड़ी और 2 लाख रुपए की मांग की गई। झगड़ा का कारण यही है कि उसको दहेज चाहता था। जब दहेज चाहता था तो हमरे जो था वो दिए, नहीं था तो कहाँ से दिए। हम लोग तो गरीब थे और इसीलिए सब लोग मार के उसको फिर हमको पंचायत में नहीं बुलाएगा, नहीं मौका दिया। तो यही सब कि बच्चा नहीं हो रहा था, उसका जीजा छेड़छाड़ करता था दीपू और वो दोनों मिलकर। उसने ये बात अपने मायके में भी बताई। मायके वालों ने ससुराल में बात की और लड़की को भी समझा बुझा कर शांत कर दिया। लेकिन दहेज लोभी ससुराल वालों की डिमांड कम नहीं हुई। 24 जून को उन्होंने लड़की को इतना बेरहमी से बुरी तरह पीटा कि उसको मौत के घाट ही उतार दिया। मेरी जासूसी कहती है कि पीड़ित परिवार पहुंच और पैसे दोनों से कमजोर है, लेकिन मृतक का नंदोई वकील है, इसलिए वो कानून की पूरी पढ़ाई पढ़े हुए है और उसी का फायदा उठा रहा है। पैसे से वकील है तो इसीलिए तो वो ये सब करवाता है। दीपू पकड़ा गया है, उसका माता और पिता और संतोष लाल और उसका दो भाई नहीं पकड़ा है। वाराणसी जिले के लंका थाना SO का कहना है कि चार सीट लग चुकी है और जांच के लिए CO को दे दिया गया है। आगे का काम कोर्ट का है। 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था और बाकी के लोग निर्दोष पाए गए हैं। धारा 498A और 304B लगी हुई है। सवाल ये उठता है कि जहां पर हर दिन क्राइम की घटनाएं बढ़ रही हैं, वहां ये कहना कि हमारा देश सुरक्षित है, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा। आज की अगर स्थिति देखी जाए तो हमने चांद में पहुंचने की उपलब्धि हासिल कर ली है। इसमें भी महिलाओं का एक बड़ा रोल है। तालियां बज रही हैं। आखिरकार सरकार उन चीखती चिल्लाती महिलाओं के लिए भी तालियां बजा लिया करे, उनके लिए भी गर्व महसूस कर लिया करे कि हमारे देश के महिलाओं की क्या स्थिति है। हम तो चांद पर पहुँच गए, उपलब्धि हासिल कर लिए, लेकिन महिलाओं की हालत वही की वही है। तो ये थी मेरी आज की जासूसी भरी कहानी। अगली बार फिर मिलूंगी किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।